हेलो स्टूडेंट्स, मैं गगनदीप सिंह studease.in से एक नया वीडियो पोस्ट कर रहा हूं, जिसमें हम कैपिटल मार्केट्स और सिक्योरिटीज लॉ की बात करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फर्दर इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स को हेल्प मिल पाए इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। अभी बात करते हैं मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। देखिए, जो भी हमारी फाइनेंशियल मार्केट, मतलब मैं एज अ हेडिंग फाइनेंसिस की बात कर रहा हूँ, पैसे की बात कर रहा हूँ, तो इसको मेजरली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला मनी मार्केट और सेकंड पार्ट इज योर कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में ये डिफरेंस है, कोई भी ऐसा बोरोइंग, कोई भी ऐसा फंडिंग, अगर वो एक साल से कम का है तो हम उसे डिफाइन करते हैं दैट इज इन केस ऑफ अ मनी मार्केट, मतलब वो मनी मार्केट में फॉल करेगा। और सेकंड एस्पेक्ट कैपिटल मार्केट, इसका मतलब कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन, कोई भी ऐसी चीज जो कि लॉन्ग पीरियड के लिए है। इसके बाद जो कैपिटल मार्केट है, इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वन इज योर सिक्योरिटीज मार्केट, अदर वन इज योर अदर फॉर्म्स। अदर फॉर्म मतलब अदर फॉर्म्स ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग। सिक्योरिटीज मार्केट का मतलब है, हम जब किसी भी तरह के शेयर्स में जब ट्रेड करते हैं, दैट इज योर सिक्योरिटीज मार्केट। अदर फॉर्म्स में मान के चलिए, आपने किसी भी बैंक से 10 साल के लिए लोन लिया। मैंने यहाँ पे पीरियड 10 साल क्यों कोट किया, इट कुड बी 2 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, बट क्योंकि ये कैपिटल मार्केट है तो इन केसेस में जो आपका टाइम पीरियड होगा, ड्यूरेशन होगा, दैट विल बी मोर देन 1 ईयर। और अदर फॉर्म्स में आप यहाँ पे किसी भी तरह का बैंक लोन या कोई भी ऐसा लोन जिसका टेन्योर लॉन्ग पीरियड के लिए है, दैट विल बी कवर्ड अंडर द अदर फॉर्म्स ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग। फर्दर सिक्योरिटीज मार्केट को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज योर न्यू इश्यूज मार्केट, अदर वन इज योर सेकेंडरी मार्केट। देखिए, जब भी कोई कंपनी या कोई भी ऐसा कॉर्पोरेट हाउस फर्स्ट टाइम मार्केट में कोई भी इशू लेके आता है, मतलब उन्होंने शेयर्स इशू किए और पैसा रेज किया, तो वो वाला सेगमेंट विल बी कवर्ड अंडर योर न्यू इशू मार्केट, मतलब उन्होंने फर्स्ट टाइम इशू किया। और सेकेंडरी मार्केट मतलब जब हम ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज में डील करते हैं। और स्टूडेंट्स, ये जो पर्टिकुलर चार्ट, ये डायग्राम आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मार्केट? तो अगर आपको क्वेश्चन आता है फाइनेंशियल मार्केट के रिगार्डिंग, यू ड्रॉ दिस चार्ट दैट फाइनेंशियल मार्केट हैज टू कॉम्पोनेंट्स, वन इज योर मनी मार्केट, अदर वन इज योर कैपिटल मार्केट। फर्दर कैपिटल मार्केट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन बीइंग सिक्योरिटीज मार्केट, अदर वन बीइंग अदर फॉर्म्स ऑफ लेंडिंग एंड बोरिंग। फर्दर सिक्योरिटीज मार्केट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, न्यू इश्यूज मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स। और फर्दर आपको एक चीज बताऊंगा, मान के चलिए दे आस्क यू क्वेश्चन अबाउट मनी मार्केट, सो आई वुड सजेस्ट कि आप बताइए कि फाइनेंशियल मार्केट इज अ मेजर हेड, इन दैट वी कवर टू एस्पेक्ट्स, वन इज योर मनी मार्केट, अदर वन इज योर कैपिटल मार्केट। थैंक यू स्टूडेंट्स, और नए वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको साथ के साथ अपडेट मिलते रहें।